अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोस हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग है खास, आज का व्लॉग है व्हाट्स इन माय बैग। ये व्लॉग जो है ना, लास्ट ईयर मुझे इसको लेके बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इस पर बनाओ, फिर मैंने इस पर नहीं बनाया तो फिर आप लोगों ने बोलना ही छोड़ दिया। बट मेरे दिमाग में हमेशा था, बट टाइम नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से मैं नहीं बना रही थी। स्पेशली मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम है पिंकी, तो वो ये ब्लॉग देख रही होगी। तो पिंकी, ये आपकी फरमाइश हुई ज़्यादा मैंने बनाया। वो मुझे हमेशा बोलती थी कि व्हाट्स इन माय बैग पे एक वीडियो तो ज़रूर बना आप। तो ज़्यादा मैंने उसी का सोचा कि बना देते हैं, उसको भी खुशी मिलेगी, आप सबको भी और मुझे भी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ बैग, ये आपने परसों देखा ही होगा। तो यह है मेरा बैग, ये मैंने बेबी होने के बाद लिया, बड़ा बैग बहुत काम का आता है। फिर तो चले करते हैं ब्लॉग स्टार्ट, देखते हैं हमारे बैग में क्या क्या है। तो सबसे पहले है मेरे बैग में एक छोटा सा वॉलेट, जो कि हर एक के बैग में होता है, मेरे बैग में भी है। तो हम इसमें देखें इसमें क्या क्या है। इसमें है मेरा एटीएम कार्ड सबसे पहले, और है इसमें रिसेप्ट, पता नहीं किस चीज़ का है, और है इसमें थोड़ा सा कैश जो कि मैं हमेशा ऐसे ही रखती हूँ, कभी संभाल के नहीं रखती, और है ये छोटी सी चाबी। ओके, उसके बाद है ये नविया का लोशन, ये मैं हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ, क्योंकि मैं बार मुझे आदत है, मैं बार बार ये हाथों पे लगाती हूँ तो अच्छा लगता है मुझे, जब हाथ सॉफ्ट रहते हैं। उसके बाद है ईयरबड्स, ये भी हमेशा मेरे बैग में होते हैं और ज़रूरत पड़ती भी है इनकी। उसके बाद है ये बेबी के वाइप्स, ये बेबी होने के बाद मेरे बैग में होता है, पहले तो नहीं हुआ करते थे बट अब लाजमी होता है मेरे बैग में। और है एयरफोन, जो कि मेरे काम का नहीं है बट फिर भी मैंने बैग में रखा है, क्योंकि कभी गाड़ी में होती है म्यूजिक सुनना होता है कुछ, तो उस टाइम काम आ सकता है, बट ज़्यादा मेरे काम का नहीं है क्योंकि मैं म्यूजिक नहीं सुनती हूँ ज़्यादा, सुनना भी नहीं चाहिए। और है सुई धागा, तो मेरी बहन ने भी मुझे पूछा था कि सुई धागा आप बैग में क्यों रखती हो। सुई धागा मैं इसलिए बैग में रखती हूँ, फ़ोन थोड़ा पीछे ले जाओ, क्योंकि देखो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना खास करके, उनको लाजमी रखना चाहिए अपने बैग में। हम जब स्कूल जाते हैं ना तो बेंच से हमारे कपड़ों में खुदा बचाए कभी कभार कट लग जाता है, हमारे साथ तो स्कूल टाइम में बहुत हुआ करता था, तो इस चीज़ की ज़रूरत हमें उस टाइम बहुत पड़ती है। आज क्यों है आपके साथ आज? आज भी हो सकता है ना कहीं पे, जरूरी नहीं है ना बेंच से काट लगे हमारे कपड़ों में, कहीं पे भी लग सकता है, इसलिए इसको लाजमी साथ लिया करे। तो मैंने भी इसलिए लिया, स्टूडेंट्स को मैं बोल रही हूँ आप लाजमी इस चीज को कैरी किया करे अपने साथ स्कूल या करे। उसके बाद है छोटू सा टेडी, जब बेबी हैंडल, ओ सॉरी, जब बेबी हैंडल नहीं होते है ना कहीं पे तो रास्ते में, तो दिखाया करो ये छोटे से टॉयज, तो वो चुप हो जाए। उसके बाद है ये पेन, पेन भी लाजमी लिया करे, पीछे लो थोड़ा फ़ोन, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि कभी कभार कुछ ज़रूरत पड़ती है, बाजार में कुछ लिखना होता है कुछ, तो मेरे पास पेन नहीं होता है, और मुझे आजकल थोड़ा सा मतलब अजीब लग रहा है, मेरी याददाश्त भी उतनी तेज़ नहीं है आजकल, पता नहीं ज़्यादा बातें याद नहीं रहती हैं, पता नहीं लिखती है, मुझे लिखना पड़ता है सीरियसली, कोई मजाक की बात नहीं है, मुझे चीज़ें जल्दी भूल जाती हैं आजकल, इसलिए मैं पेन लाजमी लेती हूँ अपने साथ हाथ पे, अगर डायरी पे नहीं तो मैं हाथ पे लिख के रखती हूँ, बट रखती हूँ जब मैं सोती हूँ ना उस टाइम जो मुझे नेक्स्ट डे काम होता है ना वो मैं रात को हाथ पे लिख के रखती हूँ, सुबह मुझे फिर याद आता है, ऐसे मुझे याद नहीं आता। उसके बाद है छोटू सी नेल कटर, ये देखिए उसके बाद है ये लिप बाम, छोटू सा प्यार सा, ये देखिए। उसके बाद है ये हेयर पिन, ये भी लाजमी लिया करें अपने साथ। उसके बाद है छोटू छोटू सी दो पिंस, पता नहीं इनको मैंने किस लिए रखा है बट रखा है अपनी बेबी। तो बस मेरा बैग हो गया खाली, अब इसमें कुछ भी नहीं है, तो
मैंने ऐसी बैग उठाया, जो जो चीज़ें मेरी बैग में थी मैंने आपको दिखा, पता नहीं इसमें आपको कोई चीज़ काम की लगी होगी या नहीं, बट मुझे दिखाना था जो जो मेरे बैग में होता है। और एक बात, बट सयू ने बोला था कि मेरा नाम लिया लेना, उसने काफ़ी टाइम से शायद बोला था लेकिन मेरी नज़र नहीं पड़ी थी उन कमेंट्स पे, तो आज मुझे उसकी कमेंट्स पे नज़र पड़ी तो मैंने सोचा मैं ज़रूर उसका नाम लेती हूँ। बट सयू, मैंने आपका नाम ले लिया, और भी कुछ लड़कियाँ बोलती हमारे लिए दुआ किया करे, तो आपके लिए जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ मेरे दिल से दुआ निकलती है आप लोगों के लिए, आप भी दुआ किया करे, सबके लिए दुआ किया करे, साथ में मेरे लिए भी। तो चलिए जी, ये था आज का एक खूबसूरत सा व्लॉग, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और जिस जिसका नाम रहता है ना इनाम, जिस जिसका नाम रहता है ना, तो उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी, क्योंकि मैंने सोचा इस वीडियो में ठीक नहीं रहेगा किसी का नाम लेना या कुछ, क्योंकि ही व्हाट्स इन माई बैग, लेकिन फिर भी मुझे नज़र पड़ी इस पे बट सयू के कमेंट्स पे। मैं जब किसी की कमेंट देखती हूँ ना तो मुझे ऐसे आ नहीं रहता, मैंने पहले भी बोला मुझे स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, तो फिर मैं स्क्रीनशॉट देखती हूँ तो फिर मैं आप सबके नाम लेती हूँ। तो फिर मुझे बट सयू के कमेंट्स पे नज़र पड़ी स्क्रीनशॉट पे, तो मैंने उसका नाम ले लिया। तो ओके, इसके बाद जो वीडियो है ना वो आएगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं वीडियो, तो आप क्वेश्चंस आज मुझे कमेंट्स में करना, ऐसा नहीं बोलना कि आपका नाम क्या है, यूट्यूब इनकम, हमेशा कुछ यूनिक अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट क्वेश्चंस पूछना जिनको आंसर देने में मुझे भी मज़ा आया, वरना क्या होता है ना आधे वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट करते हैं जो मैंने ऑलरेडी जिनका जवाब दिया होता है लास्ट क्यू एन ए, मैंने 2-3 डाले हैं तो उनमें आप देख सकते हो, तो प्लीज़ आप वही क्वेश्चंस मत पूछा करें, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है वीडियो बनाना जब आप फिर से वही क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो कुछ अलग से यूनिक से प्यारे से कमेंट्स करना, प्यारे से क्वेश्चंस पूछना, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्यू एन ए वीडियो बनाएंगे। तो बस ये था आज का व्लॉग, इसको कहते हैं एंड, और मुझे क्या बोलना था, सीरियसली याद नहीं रहता, मैं थक गई यार। तो मेरी बहन जो है ना वो शूट कर रही है, बोल रही है मैं थक गई, क्योंकि उसको मैंने बड़ी मुश्किल से लिया है, उसके पास टाइम नहीं था तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको लिया है कि पहले वीडियो शूट करे मेरा, उसके बाद अब जाओ कर जाना है बस, नमाज पढ़नी है उसको, नमाज पढ़नी है, मैं भी पढ़ूँगी इंशाल्लाह। तो बस हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।